हेलो स्टूडेंट्स टुडे इन क्लास टू वी आर गोइंग टू सोल्व द इंग्लिश वर्कशीट टुडे और टॉपिक इज़ यूज़ ऑफ दिस एंड दैट तो सबसे पहले आपको एक रूल बताता हूँ दिस का यूज़ हम उसके लिए उस चीज़ के लिए करते हैं जो हमारे पास होती है और दैट का यूज़ जो हमसे दूर होती है तो so, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल में हमें दिया हुआ है एक हाउस तो so, जब ये हाउस हमारे पास है तो हमने यूज़ किया दिस इज़ अ हाउस लेकिन बी ऑप्शन में हाउस हमसे दूर है तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे दैट इज़ अ हाउस तो चलिए इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर वन रीड द सेंटेंस एंड सर्कल द करेक्ट पिक्चर राइट द आंसर इन नोट बुक एंड रिप्लाई थ्रू अ वॉइस मैसेज तो आपको नीचे कुछ पिक्चर्स और सेंटेंस दिए हुए हैं तो जो सेंटेंस है उसके हिसाब से आपको पिक्चर को जो करेक्ट पिक्चर है उसको सर्कल करना है तो फर्स्ट है दैट इज ए स्कूल तो दैट का प्रयोग होता है जब कोई चीज बहुत दूर होती है तो ए ऑप्शन में स्कूल बहुत पास है और बी में दूर तो इसका मतलब हमारा आंसर होगा बी तो हम बी को सर्कल करेंगे नेक्स्ट है दैट इज अ ट्री तो दैट का यूज़ जो बहुत दूर होती है तो ए ऑप्शन में तो ट्री पास है लेकिन बी में दूर है तो इसलिए हम बी को सर्कल करेंगे नेक्स्ट है दिस इज अ डॉग दिस का यूज़ जो हमारे पास जैसे ए ऑप्शन में जो डॉग है वो हमारे पास ही है तो इसलिए उसी को सर्कल करेंगे और बी ऑप्शन में तो बहुत दूर है तो अगर यहाँ होता दैट इज़ अ डॉग तो इसका आंसर बी होता लेकिन अभी इसका आंसर ए है नेक्स्ट है दैट इज़ अ कैट तो दैट का यूज़ जब कैट बहुत दूर होगी तभी होगा तो ये है बी ऑप्शन में तो हम बी ऑप्शन को सर्कल करेंगे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर टू द सेंटेंसेस यूजिंग दिस और दैट इन द ब्लैंक्स राइट द आंसर इन नोटबुक और रिप्लाई थ्रू अ वॉइस मैसेज तो आपको इन सेंटेंस को दिस या दैट से पूरा करना है और उसके बाद अपने नोटबुक में उनका आंसर लिखने हैं और आप अपने टीचर को वॉइस मैसेज के द्वारा भी आंसर भेज सकते हैं जैसे फर्स्ट है आपके लिए किया हुआ है दिस इज अ बॉल तो बॉल हमारे पास है तो इसलिए हमने यूज़ किया दिस नेक्स्ट है पेंसिल पेंसिल भी पास में दिख रही है तो इसलिए यूज़ करेंगे दिस दिस इज़ अ पेंसिल नेक्स्ट है इज़ द सन तो हम देखते हैं सन बहुत दूर है तो इसलिए हम यूज़ करेंगे दैट तो इसका आंसर होगा दैट इज़ द सन नेक्स्ट है इज़ अ बस हम देखते हैं स्कूल बस जो है ये भी बहुत दूर है तो इसलिए इसके लिए यहाँ पर भी यूज़ करेंगे दैट दैट इज़ अ बस नेक्स्ट है टेलीविजन तो हम देखते हैं टेलीविजन के बच्चे बहुत पास बैठे हैं तो इसलिए हम यूज़ करेंगे दिस इज अ टेलीविजन क्वेश्चन नंबर थ्री लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट द सेंटेंसेस यूजिंग दिस और दैट राइट द आंसर इन योर नोटबुक और रिप्लाई थ्रू अ वॉइस मैसेज तो आपको यहाँ पे एक पिक्चर दी हुई है और उससे रिलेटेड कुछ सेंटेंस है जैसे फर्स्ट में है दिस इज़ अ बैट क्योंकि बैट इस पर्सन के बहुत ही पास है इसलिए यूज़ किया हमने दिस इज़ अ बैट नेक्स्ट है बॉल बॉल हम देखते हैं बहुत दूर है तो इसलिए हमें यूज़ किया दैट इज़ अ बॉल इसी तरह अगला देखते हैं एक छोटा बॉय है इसके पास में है फ्लावर तो फ्लावर के लिए हम यूज़ करेंगे दिस इज़ अ फ्लावर क्योंकि ये बहुत पास है नेक्स्ट है बैग अब बैग देखते हैं बैग इस बॉय से काफ़ी दूरी पर है तो इसलिए हम यूज़ करेंगे दैट इज़ अ बैग नेक्स्ट है इस बॉय के पास एक कैट और डॉग है तो कैट तो बिल्कुल इसके नज़दीक है तो इसलिए हम यूज़ करेंगे दिस इज़ अ कैट और डॉग काफ़ी दूर है तो इसलिए यहाँ पर हम यूज़ करेंगे दैट इज़ अ डॉग अगर आपको कोई आंसर लिखना है तो आप वीडियो को पॉज करके भी वो आंसर लिख सकते हैं नेक्स्ट सेकेंड अक्टूबर इज़ द बर्थडे ऑफ लाल बहादुर शास्त्री एंड महात्मा गांधी द फॉट फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ अवर कंट्री ड्रॉ गि द गि पिक्चर्स ऑफ महात्मा गांधी इन योर नोटबुक तो यहाँ पर सेकेंड अक्टूबर को महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी का बर्थडे यानी जन्मदिन होता है तो लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे और महात्मा गांधी जी को भारत का राष्ट्रपिता भी बोला जाता है तो आपको महात्मा गांधी जी की इस तरह की एक चित्र अपने कॉपी में बनाना है सो दिस वर्कशीट इज कम्प्लीट हेयर होप यू लाइक दिस वीडियो इफ यू लाइक दिस वीडियो डो फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल